कर रहे हो, जैसे मनको का नियम नहीं होता, मनको का नियम होता कि नहीं होता? आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मनके होते हैं? 108। 108 मनके किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के। ठीक है, एक होती है 54 मनके की माला, कितने मनके होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा, हमारा कार्य कुछ रह गया है और बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो 54 मनके की जो माला होती है उससे भगवान का नाम जपना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है तुरंत। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में हो जाता है, रोगीला हो जाता है, बीमारी छूटती नहीं है, बहुत कष्ट उसको होता है, कुछ ना कुछ रोग शरीर में, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी हाथ दुख रहे, कभी पांव दुख रहा है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है, तो 30 मनके की माला से जाप करने पर वो हमारा रोग मात्र 2 दिन के अंदर समाप्ति की ओर आ जाता है हमारा। कितना भी तेज बुखार चल रहा हो, कितनी भी तेज बुखार आ रहा हो, तो वो मात्र 2 घंटे, 3 घंटे या 2 दिन के अंदर रोग में 30 मनके। एक होती है 15 मनके की माला। 15 मनके की माला कौन सी होती है? जब बच्चा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई सर्विस के लिए जा रहा हो, और वो नौकरी के लिए सर्विस के लिए जब वो जाता है और बहुत एग्जाम में बैठ लिया तो भी सफल नहीं हो रहा, तो 15 मनके की माला से भगवान का कोई भी एक मंत्र जो आप स्मरण कर सकते हो, जिससे आपकी अच्छी पटे, उस भगवान का मंत्र बोलकर 15 मनके की माला से चले जाए, कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है, उसको विद्वत्ता मिल जाती है। एक 7 मनके की माला भी होती है, आप लोग कभी संतों को देखना, वो उंगली में पहने रहते हैं, और उंगली में पहने पहने बस वो हाथ में कहीं लपेट, कई कई लोग हाथ में लपेट रहते, कहीं की हाथ में 30 ही माला देखोगे, 15 मनके की, किसी के हाथ में 20 मनके की, किसी के संतों को देखना, कोई कोई की माला छोटी सी होती है, यहाँ चढ़ जावे तो वो 15 मनके की, 20 मनके की, 30 मनके की, कोई की 7 मनके की होती है, उंगली में फंसा कर 7 मनके की माला जपते रहते। 7 मनके की माला किस लिए होती है? तो कहा, अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए। कोई व्यक्ति आपका धन खाकर भग गया, कोई व्यक्ति आपका पैसा ले गया, कोई व्यक्ति आपका रुपया रख लिया, और वो व्यक्ति को तुम 50 बार बोल चुके, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा रुपया दे दे, भैया मेरा धन दे दे, और वो व्यक्ति धन नहीं दे रहा, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, और जो व्यक्ति पैसा लेकर बैठ गया और पैसा नहीं दे रहा है, उसके लिए तुमने बहुत प्रयास कर लिया, तो एक बार हल्दी की गठान की 7 मनके की माला बना लो। हल्दी की जो गांठ होती है उसकी 7 मनके की माला, बाजार में हल्दी की भी माला मिलती है, ठीक है, हल्दी के छोटे छोटे मनके होते हैं दाने, जैसे तुलसी के होते हैं वैसे, 7 मनके की माला हल्दी की गांठ की, हल्दी की ले लीजिए, और वो 7 मनके की माला से भगवान शंकर के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर, जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम लेकर मात्र 12 दिन या 13 दिन या 14 दिन उस माला को जप लीजिए, उसके बाद उसी माला को उंगली में पहनकर उसके तो उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए या उससे हाथ मिला लीजिए, वो आपका पैसा आपके घर देकर जाएगा। मनकों में, माला में प्रबलता होती है। उसी तरह व्यासपीठ की परिक्रमा में प्रधनता होती है। हम कितनी परिक्रमा कर रहे हैं? यदि हम 108 परिक्रमा कर रहे हैं व्यासपीठ की, तो हमें सुख का अनुभव कराती है महाराज। आपका यदि कोई कार्य अटक रहा है और आप बहुत दिन से निवेदन कर रहे हो, तो भागवत की 54 परिक्रमा करना चाहिए, 54। 54 परिक्रमा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, आप जिस काम के लिए लगे हुए, वो काम नहीं हो रहा, तो 54 परिक्रमा से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। 54 परिक्रमा के अलग अलग प्रमाण है, जैसे बत्ती के प्रमाण है ना, आपको पहले भी कथा में कहा, गोल बत्ती देवताओं के सामने लगती है, लंबी बत्ती देवियों के सामने लगती है,
पीपल के पेड़ के नीचे लगाओगे तो गोल लगेगी, लंबी बत्ती अगर आप लगा रहे हो तो कोई कुल देवी हो, पितर देवता हो, तो इनके सामने लंबी ही लगेगी, इनके सामने कभी गोल नहीं लगेगी। जिनसे तुम अपना वंश मांग रहे हो, जिनसे तुम अपनी संपदा मांग रहे हो, जिनसे तुम अपना सत्ता मांग रहे हो, उन देवी देवता को, उन भगवान को, उन परमात्मा को, वो गुरुजन को, वो ईश्वर जन को, वो पितर जन को लंबी बत्ती ही आई। पीपल के पेड़ के नीचे कभी लंबी बत्ती नहीं आती, याद रखना। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती आई। अगर लंबी बत्ती आपने पीपल के पेड़ के नीचे लगाई है तो उसमें दरिद्रता देवी का वासा होगा, ठीक है, ज्येष्ठा का। और अगर गोल बत्ती लगाई है तो नारायण का वासा होता है, उसमें लक्ष्मी का वासा, जो लगाता है उसको फलीभूत होती है, उसको श्रेष्ठता होती है। तो यहां परिक्रमा का प्रधान है। और भागवत महारानी की परिक्रमा जब भी करी जाती है तो जहां व्यास जी महाराज बैठते हैं तो व्यास जी का जो राइट हैंड होता है, जैसे ये भाग, तो इस कोने से परिक्रमा प्रारंभ कर इस कोने पर एक गिनी जाती है। पर ज्यादातर लोग भागवत की जो परिक्रमा करते हैं आगे से प्रारंभ कर आगे जाकर प्रथम मान लेते हैं। पर भागवत के मुखाग्रविंद चरणारविंद का जो स्मरण किया जाता है, भगवान इस प्रकार से लेटे हुए द्वादश अक्षर, तो भगवान के चरणारविंद से परिक्रमा को प्रारंभ कर भगवान के चरणारविंद पर विराम दी जाए भागवत। भगवत तत्व का है, जैसे गणेश जी को दो तरह की दुर्वा समर्पित होती है, एक हरी दुर्वा एक श्वेत दुर्वा। हम हरी दुर्वा गणेश जी को जो चढ़ाते हैं वो कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए चढ़ाते हैं। हम सफेद दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं वो रोग मुक्ति के लिए और अपने काम की सफलता के लिए चढ़ाते हैं। दो प्रकार होते हैं। ये वो सफेद दुर्वा देखिए आप लोगों ने, जो कहीं पानी भरा जाता है, कुआं होता है, नदी होती है, तालाब होती है, उसके आसपास में जो दुर्वा लगती है वो सफेद कलर की होगी, वो सफेद दुर्वा बहुत काम की रहती है। जिसको पथरी की बीमारी हो जाती है तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज का स्मरण कर बाल चंद्र का स्मरण कर चंद्रदेव को वो दुवा घुमाकर निन्ने पेट खाली पेट जिस व्यक्ति को पथरी है मात्र 7 दिन तक खिला दो, पथरी का दर्द बंद हो जाता है और पथरी बाहर निकल जाती है महाराज, फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जांच करा लेना पथरी नहीं रहेगी।